अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद वैस सादिक एंड आई एम योर क्लास 10 मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है रेडिकल इक्वेशंस का। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 एंड की थी और आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है रेडिकल इक्वेशन का। रेडिकल इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये जो एग्जांपल है इसकी हेल्प से करते हैं। हमारे पास जो पहली एग्जांपल है वो है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट का साइन है इसको कहते हैं रेडिकल साइन, और रेडिकल साइन के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है इसको कहते हैं रेडिकेंट। अगर एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें एक्सप्रेशन रेडिकल साइन के अंडर आ जाए देन उस इक्वेशन को कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो ये एक्स माइनस 1 है ये भी रेडिकल साइन के अंडर है, और ये एक्स माइनस 2 ये भी रेडिकल साइन के अंडर है, और ये हमारे पास एक इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेडिकल इक्वेशंस की कुछ टाइप्स और ये देखते हैं कि उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास एक एक्सप्रेशन है विच इज़ अंडर द रेडिकल साइन, और लेफ्ट साइड पे जस्ट एक एक्सप्रेशन है सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है जो कि टाइप 1 से रिलेट करती है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इस एग्जाम्पल को देखा जा सकता है, ये जो हमने अभी टाइप देखी है रेडिकल इक्वेशन की ये बिल्कुल उसी तरह की है। अब इसको ये देखते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि ये रेडिकल साइन जो कि लेफ्ट साइड पर है इसको हमने ख़त्म करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं ये जो स्क्वायर रूट होता है ये किसके इक्वल होता है, रेशो द पावर 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 7, स्क्वायर रूट की जगह हम लिख देते हैं 1/2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, इक्वल आ जाएगा 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे जो पावर है उसमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब एक बेसिक फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, ये हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला हम ये राइट साइड पे अप्लाई करेंगे, देन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आ जाएगी 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वेयर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 3 इज़ 12, और साथ x है तो यहाँ पे x आ जाएगा प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड पे जो टर्म्स हैं इनको राइट साइड पे ले जाते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और राइट साइड पे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 माइनस 3x माइनस 7। जब भी कोई टर्म साइड्स चेंज करती है देन उनके साइन भी चेंज हो जाते हैं। अब ये जो राइट साइड है इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 माइनस 3x माइनस 7, और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। जब भी हम इक्वेशन की साइड्स चेंज करते हैं, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड पे ले आए, राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले आए, देन उनके साइंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन राइट साइड पे था हम उसको लेफ्ट साइड पे ले आए,
तो ये एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3x इज 9x, 9 माइनस 7 इज प्लस 2 और इक्वल है 0 के। अब यहाँ पे ये देखा जा सकता है हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में जो हमने ऊपर फाइंड की है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 9 एंड c इज इक्वल टू 2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने तीन डिफरेंट मेथड्स पढ़े हुए हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड इज यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको किसी भी मेथड से किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c की वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा माइनस बी की जगह आ जाएगा 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ देन बी की जगह 9 आ जाएगा, 9 के ऊपर स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू ए, ए की जगह आ जाएगा 4 एंड सी की जगह आ जाएगा 2 और ये डिवाइड कर देंगे 2 इंटू ए विच इज़ 4। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x हमारे पास आ जाएगा माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर इज 81 माइनस 4 इंटू 4 इज 16 एंड 16 इंटू 2 इज 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इज 8। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 माइनस 32 इज 49 ओवर 8। देन x आ जाएगा माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 इज अ कम्प्लीट स्क्वायर ऑफ 7, तो यहाँ पे 7 स्क्वायर आ जाएगा और इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगी ये वाली टर्म 8 के साथ। देन x इक्वल आ जाएगा माइनस 9 प्लस माइनस 7 ओवर 8। अब यहाँ पे x की हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, इनको थोड़ा सेपरेट करके लिख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 7 ओवर 8 और x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 7 ओवर 8। अब यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 7 इज माइनस 2 ओवर 8। 2 और 8 में जो कॉमन फैक्टर है वो है 2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 4 इज 8, तो x किसके इक्वल आ गया? माइनस 1 ओवर 4 के इक्वल आ गया। अब x की जो दूसरी वैल्यू है उसको हम फाइंड करते हैं। x इक्वल आ जाएगा माइनस 9 माइनस 7 इज माइनस 16 ओवर 8। अब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है 16 एंड 8 में वो है 8, 8 इंटू 1 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, x इक्वल आ जाएगा माइनस 2 के। अब जो हमारे पास इक्वेशन थी रेडिकल इक्वेशन, उसके दो रूट्स आ चुके हैं, माइनस 1 ओवर 4 एंड माइनस 2। रूट्स हमारे पास उन वैल्यूज़ को कहते हैं जिनको हम इक्वेशन में पुट करें देन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, या फिर ऐसे कहा जा सकता है इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल आ जाए राइट साइड के। तो हम इन दोनों रूट्स को वन बाय वन चेक करते हैं क्या ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। जो क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन थी वो थी 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब चेक करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 को, क्या ये वाला जो रूट आया था हमारे पास वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। अब ये जो इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसके अंदर x की जगह माइनस 1 ओवर 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू माइनस 1 ओवर 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 ओवर 4 प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3 ओवर 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2 ओवर 4 प्लस 3। देन हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे माइनस 3 का जो डिनोमिनेटर है वो है 4, 7 का डिनोमिनेटर है 1, तो जो इनका एलसीएम है वो क्या आ जाएगा 4। देन न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस 3 प्लस 1 इंटू 4 इज 4 एंड 4 इंटू 7 इज 28 और इक्वल आ जाएगा
माइनस टू ओवर फोर इज माइनस वन ओवर टू प्लस थ्री। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री प्लस 28 इज 25 ओवर फोर इज इक्वल टू। अब राइट साइड पे माइनस वन का डिनोमिनेटर है टू और थ्री का डिनोमिनेटर है वन, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा टू और न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस वन प्लस सिक्स। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 5, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर आ गया एंड 4 इज अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर एंड राइट साइड पे आ जाएगा माइनस 1 प्लस 6 इज 5 ओवर 2। अब लेफ्ट साइड पे ये जो स्क्वायर हैं दोनों के, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन हो उसके अंदर हम स्क्वायर रूट को सेपरेट करके लिख सकते हैं, तो जब सेपरेट करके भी लिखेंगे तो ये स्क्वायर्स स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 5 ओवर 2 एंड राइट साइड पे आ जाएगा 5 ओवर 2। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी हैं। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 इज द रूट ऑफ आवर गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट हमने x क्या फाइंड किया था, माइनस 2 के इक्वल। अब चेक करते हैं क्या माइनस 2 जो गिवन इक्वेशन है उसका रूट है या नहीं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर हम x की जगह माइनस 2 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3। देन हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4 प्लस 3। देन अगेन लेफ्ट साइड पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 6 प्लस 7 इज 1 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस 1। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 एंड राइट साइड पे आ जाएगा माइनस 1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 1 कांट बी इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 2 हमारे पास रूट नहीं है उस इक्वेशन का जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 2 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। और अगर कोई रूट गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता देन उस टाइप के रूट को कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 हमारे पास क्या है, एक एक्सट्रेनियस रूट है। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 ओवर 4, क्योंकि ये जो x की वैल्यू आई थी माइनस 1 ओवर 4 सिर्फ यही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी, तो हमारे पास एक ही रूट बना इक्वेशन का और सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ गया माइनस 1 ओवर 4। और x इज इक्वल टू माइनस 2 हमारे पास क्या था, एक्सट्रेनियस रूट, बिकॉज x इज इक्वल टू माइनस 2 डज नॉट सेटिस्फाई आवर इक्वेशन। तो ये है हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट। ये है हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट की डेफिनेशन, value of the variable obtained by solving the equation not satisfying it is called extraneous root। अभी जो हमने example की थी उसमें हमने देखा था जो x is equal to minus 2 वो हमारे पास क्या था, एक extraneous root था, and x is equal to minus 1 over 4 वो एक root था। तो इस तरह जब भी हम किसी भी radical equation को solve करेंगे हमने ये लाजमी check करना है कि क्या जो वैल्यूज़ हमारे पास वेरिएबल्स की आ रही हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। अगर वो वैल्यूज़ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती हैं देन वो कहलाएंगे हमारे पास रूट्स, और अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती देन उनको कहा जाएगा एक्सट्रेनियस रूट्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने रेडिकल इक्वेशंस का टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसके बाद हमने टाइप वन ऑफ रेडिकल इक्वेशंस को देखा, हमने उसकी एग्जांपल्स की, एंड देन हमने ये डिस्कस किया कि रूट्स और एक्सट्रेनियस रूट्स में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो सेकंड टाइप है रेडिकल इक्वेशंस की उसको स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।